आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या फर्क होता है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या फर्क होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है और वो कैसे वन टू वन होता है, मैं आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगा और ग्राफिकली भी बताऊंगा। लेट सपोज के हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है ये, जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है f(x1)। इसी तरह इसके ऊपर हमने एक और पॉइंट लिया है, जिसका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास f(x2)। अब देखें, इस तरह का जो फंक्शन होता है वो होता है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन, के जैसे जैसे हमारी x वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी y वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसको आप मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, x1 इज लेस देन x2। अगर ऐसा है तो f(x1) इज लेस देन f(x2), f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू f(x2)। तो इस तरह का फंक्शन क्या होता है आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा आपके पास, लेट सपोज के ये आपके पास एक ग्राफ है, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया है x1, ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है विच इज f(x1)। इसी तरह लेट सपोज एक और पॉइंट ले लिया, ये इसका x कोऑर्डिनेट है x2 और ये इसका y कोऑर्डिनेट है f(x2)। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा आपके पास, कि जैसे जैसे आपकी x वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी y वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x1 इज लेस देन x2, तो इसका मतलब f(x1) इज ग्रेटर इक्वल f(x2)। ये मैथमेटिकली हमने बता दिया कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास, डिक्रीजिंग। इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन। इस पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, x1 और ये पॉइंट क्या है आपके पास x2। कांस्टेंट फंक्शन को कैसे लिखेंगे हम मैथमेटिकली, f(x) इज इक्वल टू c। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब लाइंस जो हैं वो तीन किस्म की होती हैं, अब लाइंस जो हैं वो इंक्रीजिंग भी हो सकती हैं, डिक्रीजिंग भी हो सकती हैं और कांस्टेंट भी हो सकती हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें आपके पास जो m होता है वो आपकी स्लोप होती है और जो c होता है आपका वो आपका y इंटरसेप्ट होता है। अब अगर हमारी स्लोप जिसको हम m कहते हैं अगर वो बड़ी हो 0 से तो हमारा जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर हमारी स्लोप लेस देन 0 हो तो हमारा जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है, और अगर आपकी स्लोप इज इक्वल टू 0 हो तो आपका जो फंक्शन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। इसी तरह आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास x1 जो है वो छोटा होता है x2 से, विच मीन्स f(x1) इज लेस देन f(x2)। अब देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या आ गया, यहाँ पे इक्वालिटी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास इक्वालिटी नहीं होती। बस अगर आप इस इक्वालिटी को हटा दें तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है आपके पास, बिल्कुल यही डेफिनेशन होगी, बस आपके पास ये इक्वालिटी हट जाएगी, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वन टू वन होते हैं। वन टू वन का मतलब, जैसे लेट सपोज ये आपके पास एक फंक्शन है और जिसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ये इसका x1 कोऑर्डिनेट है, ये इसका f(x1) कोऑर्डिनेट है, ये इसका x2 कोऑर्डिनेट है और ये इसका f(x2) कोऑर्डिनेट है। अब देखें दो इनपुट्स पर आपको एक ही आउटपुट मिल रही है, तो ये आपका जनरल फंक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, तो वन टू वन फंक्शन क्या होगा आपके पास, ठीक ऐसे ही आपने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ये इसका x1 कोऑर्डिनेट है, ये इसका f(x1) कोऑर्डिनेट है, ये इसका x2 कोऑर्डिनेट है और ये इसका f(x2) कोऑर्डिनेट है। तो अब देखें एक आउटपुट पर एक ही इनपुट मिल रही है, तो ये क्या है आपके पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन भी है जिसको हम वन टू वन भी बोलते हैं।